हेलो गाइस आज हम कुछ कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवैक यूनिवैक इज़ यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट सेकेंड इज़ कंप्यूटर अरिथमेटिक ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेशन स्टोरेज एंड रिलेटिव और ऑप्शन डेज ऑल ऑफ डीज तो कंप्यूटर अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है स्टोरेज एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करता है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ दीज कंप्यूटर में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ए एल यू है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट स्टोरेज एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए मेमोरी हो गई सीपीयू में जो रजिस्टर्स होते हैं वो यूज होते हैं थर्ड क्वेश्चन इज हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन तो डिफरेंस इंजन क्या होता है एक कैलकुलेटर है जो पोलिनॉमिक फंक्शन स्टोर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है तो जो उसका इन्वेंटर है वो है चार्ल्स बेबेज हु इज ऑल्सो द फादर ऑफ कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग एल एन ट्यूरिंग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस ठीक है तो फोर्थ क्वेश्चन इज माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे क्वेश्चन है तो फर्स्ट इसमें पांच जनरेशन है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में यूज होते हैं वैक्यूम ट्यूब्स सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्विस सर्किट एंड फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन भी है फिफ्थ जनरेशन में होता था ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है जो अभी यूज होता है ना तो क्वेश्चन था माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में यूज होते हैं तो वो है फोर्थ जनरेशन तो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट इज डॉस स्टैंड फॉर डॉस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो ऑप्शन ए है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ नेक्स्ट इज आस्काई एंड ई बी सी डी आई सी आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम्स वॉट डज ई बी सी डी आई सी स्टैंड फॉर जो कोडिंग सिस्टम्स है ई बी सी डी आई सी उसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बी सी डी इज बाइनरी कोडेड डेसीमल बी सी डी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड तो ऑप्शन डी में ही ऑप्शन ए इज करेक्ट एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड सेवेंथ इज हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर उसका आंसर है ऑप्शन डी चार्ल्स वेबिज एट क्वेश्चन है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन तो मैग्नेटिक डिस्क है जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें ट्रैक्स से बना होता है वो तो ऑप्शन आर ट्रैक्स पर इंच ऑफ सर्फेस बिट्स पर इंच ट्रैक्स डिस्क पैक एंड डिस्क सर्फेस तो इन तीनों से ही हम स्टोरेज कैपेसिटी मेजर करते हैं तो ऑल ऑफ दीज इज आंसर द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर जो मेमोरी है कंप्यूटर में वो दो टाइप्स की होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं रैम एंड रोम रैम रीड ओनली मेमोरी और सॉरी रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी एंड रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो सेकेंडरी टाइप है सेकेंडरी मेमोरी, जो परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ होता है उसमें हार्ड डिस्क एस एस डीज और पेन ड्राइव्स सी डी डी वी डी ये सब यूज़ होते हैं तो मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं जिसके दो टाइप्स हैं रैम रोम तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट इज स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा टू कॉम्पनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल डेटा स्टोरेज एरिया बताना है जो डिफरेंस इन स्पीड है डिवाइसेस के बीच में जैसे सी हाई प्रोसेसिंग स्पीड है उसकी और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कम स, उसके रिलेटिव स्पीड कम है सी से तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए हम जो डेटा है वो कहाँ स्टोर करेंगे तो वो होता है बफर इसके लिए बफर यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट इज कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायर्सम एंड बोर्डम वी कॉल इट तो कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है हाई प्रोसेसिंग स्पीड है हाई मेमोरी है उसकी ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं डिलीजेंस डिलीजेंस इज़ हाई एनर्जेटिक हार्ड वर्किंग तो वो कभी बोर नहीं होता ना काम से तो डिलीजेंस इज़ द आंसर नेक्स्ट इज आई इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमारे पास पांच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थी तो आईसी उसमें फर्स्ट जनरेशन में, में आ, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता है सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं थर्ड जनरेशन में आईसी यूज़ होते हैं तो थर्ड जनरेशन इज़ करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज़ सी डी रोम सी डी रोम क्या है सेकेंडरी मेमरी है मेमरी रजिस्टर है मैग्नेटिक मेमरी है या नॉन ऑफिक्स है तो सी डी रोम इनमें से कुछ भी नहीं है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हाइब्रिड कंप्यूटर तो कंप्यूटर दो टाइप्स के होते हैं जो डिजिटल और एनालॉग होते हैं तो डिजिटल डिजिटल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए और एनालॉग के लिए ठीक है तो जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा हाइब्रिड मीन्स कॉम्बिनेशन तो जो डिजिटल और एनालॉग ऑपरेशन दोनों परफॉर्म करेंगे वो हो गए हाइब्रिड कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस एट बिट कोड कॉल्ड ई बी सी डी आई सी ई बी सी डी आई सी होता है वो एट बिट एनकोडिंग होती है तो वो किस टाइप के कंप्यूटर्स में यूज होती है ई बी सी डी आई सी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज होती है तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल यू ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम प्राइमरी मेमरी कंट्रोल सेक्शन एक्सटर्नल मेमरी कैश मेमरी एल यू किसका पार्ट है सीपी यू का पार्ट है सीपी यू के तीन पार्ट होते हैं एल यू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट सी यू कंट्रोल यूनिट मेमोरी दैट इज रजिस्टर्स तो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है कि एल यू को कब परफॉर्म करना है इनपुट या आउटपुट डिवाइसिस को कब परफॉर्म करना है तो एल यू को कमांड कहाँ से मिलती है कंट्रोल सेक्शन से तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट Next is chief component of first generation computers was first generation computers mein, transistors, vacuum tubes, IC, none of these. First generation computers mein, kya use rate? vacuum tubes. So option B is correct. Next is Dash is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computing devices. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करके जब हम इंफॉर्मेशन से शेयर करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको नेटवर्क तो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेटवर्क वन बाइट इज इक्वल टू वेरी इजी क्वेश्चन वन बाइट में कितने बिट्स होते हैं एट बिट्स तो एट बिट्स मिला के बनेगा बाइट फोर बिट्स मिला के बनता है निबल ट्वेंटी इज विच ऑफ द फॉलोइंग आई सी वॉज यूज इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में आई सी यूज होते हैं लेकिन कौन से आई सी यूज होते हैं एस एस आई एम एस आई और एल एस आई थर्ड जनरेशन आई सीज में स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल आई सी यूज़ होते हैं तो वो बोथ ए एन बी इज करेक्ट नेक्स्ट इज डेटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू डैश एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दैम डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है डेटा को कैसे हम स्टोर कर रहे हैं तो ऑप्शन आर ऑफ़ डेटा, प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड कोडिंग प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग डिजाइन तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मतलब हम डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कैसे स्टोर कर रहे हैं दैट इज डेटा स्ट्रक्चर नेक्स्ट इज इन डेटा स्ट्रक्चर डेटा मे बी ऑफ हाउ मेनी टाइप्स तो डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं हम लीनियरली स्टोर कर सकते हैं नॉन लीनियरली स्टोर कर सकते हैं तो दो तो टाइप्स हैं लीनियर या नॉन लीनियर वेरिएबल्स विच कैन बी एक्सेड बाय ऑल मॉड्यूल्स ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड वो वेरिएबल्स जो हर मॉड्यूल ऑफ प्रोग्राम मतलब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है ना जिसमें प्रोग्राम को हम मॉड्यूल्स या सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं तो वो वेरिएबल्स जो हर मॉड्यूल से एक्सेस हो वो कौन से हो गए ग्लोबल वेरिएबल्स तो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट इज स्टैक क्यू लिंक लिस्ट कैन बी इंप्लीमेंटेड इनको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं या तो एरे से इंप्लीमेंट करते हैं या लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करते हैं तो ऑप्शन डी इज करेक्ट एरे नेक्स्ट इज हाइपर लिंक कैन बी क्रिएटेड बिटवीन वर्ड डॉक्यूमेंट एंड हाइपर लिंक क्या होता है कि हम दो वेब पेजेस हो गए दो वेबसाइट हो गए मतलब तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए हम हाइपर क्रिएट करते हैं ऑप्शन आर अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट अ वेब पेज ऑन द डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू वेब पेज ऑन अ कंपनी इंटरनेट ऑल ऑफ दीज तो ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा कि डॉक्यूमेंट में हो सकता है वेब पेज में भी हो सकता है नेक्स्ट इज यू कैन इंसर्ट द क्लिप आर्ट फ्रॉम क्लिप आर्ट क्या होता है जो पिक्चर्स हम इंसर्ट करते हैं ना वर्ड डॉक्यूमेंट में वो होता है तो ऑप्शन ए इज इंसर्ट चूज पिक्चर्स देन क्लिप आर्ट चूज क्लिप आर्ट आइकन फ्रॉम ड्राॅइंग टूल बार तो दोनों ऑप्शन ठीक है ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी डन विद डॉक्यूमेंट वर्जन मॉडिफाइंग का वर्जन डिलीटिंग का वर्जन ओपनिंग का वर्जन या नन ऑफ दीज तो जो वर्ड डॉक्यूमेंट में अब वर्जन फीचर है वो अब अवेलेबल नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इस इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट नन ऑफ दीज नेक्स्ट इज वेन यू ड्रैग सिलेक्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट यू कैन डिलीट टैक्स लिंक टेक्स्ट कॉपी टेक्स्ट या मूव टेक्स्ट तो जो हम सिलेक्ट करते हैं उसको ड्रैग करने के लिए तो हम जो टेक्स्ट है उसको मूव कर सकते हैं इधर से उधर कट कॉपी पेस्ट कुछ भी कर सकते हैं नेक्स्ट इज यू कैन सर्च अ डॉक्यूमेंट यू कैन सर्च इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर तो हम सर्च uh, क्या कर सकते हैं फॉर्मेटिंग स्पेशल कैरेक्टर्स फ्रेजेस सारी चीज कर सकते हैं तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट नेक्स्ट इज यू कैन एड अ डेट टू अ डॉक्यूमेंट बाय इंसर्टिंग अ टेक्स्ट डेट इंसर्टिंग अ डेट फील्ड दैट विल अपडेट ऑटोमेटिकली टाइपिंग द डेट मैनुअली तीनों तरीके हैं हम जैसे वर्ड में इंसर्ट डेट एंड टाइम वैसे भी कर सकते हैं टाइपिंग करके भी कर सकते हैं तो ऑप्शन डी इज करेक्ट नाउ एंड की एंड की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ और टू द एंड ऑफ द स्क्रीन तो कंट्रोल प्लस एंड हम किस लिए यूज करते हैं टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस पेज डाउन पेज डाउन किस लिए यूज करेंगे कि दू, दूसरे पेज पे जाने के लिए तो ऑप्शन बी मूव द कर्सर वन पेज डाउन नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस डाउन एरे इज यूज टू डाउन एरे किस लिए यूज होता है मूव द करसर वन पैराग्राफ डाउन वन लाइन डाउन वन पेज डाउन वन स्क्रीन डाउन तो वन पैराग्राफ डाउन कंट्रोल प्लस डाउन एरो एक पैराग्राफ डाउन करने के लिए हम डाउन एरो यूज करते हैं नेक्स्ट इज विच वन इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लीनियर होता है नॉन लीनियर होता है लीनियर में क्या आ गया Uh, क्या आएगा स्टैक्स क्यूज ठीक है लिंक लिस्ट और नॉन लेने में क्या आएगा ट्री ग्राफ तो ऑप्शन डी ही है ट्री तो हम डी टिक करेंगे नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो इज यूज टू लेफ्ट एरो किस लिए यूज होगा मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप और मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन तो जो लेफ्ट एरो की होती है वो वन वर्ड लेफ्ट यूज यूज के लिए होती है नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन मीन्स एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पे यूज होता है एक इंपॉर्टेंट फीचर है ओप्स का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइड करना मतलब जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो ही शो करना जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है डिटेल्स हैं वो जो है वो हाइड करना यूजर से एक रियल लाइफ एग्जांपल है स्विच का कि हम जैसे बल्ब या लाइट ऑन करने है तो हम सिर्फ ऑन एंड ऑफ की जरूरत है यूजर को तो सिर्फ वही शो करेंगे जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है जो उसका कनेक्शन है उसकी जरूरत नहीं है तो उसको हाइड करेंगे तो एब्स्ट्रैक्शन होता है हाइडिंग नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस पेज अप की इज यूज टू पेज अप तो पेज अप के लिए यूज होगा एक पेज ऊपर जाने के लिए मूव द कर्सर वन पेज अप अपिज्म इज अ फीचर ऑफ पॉलीमोरफिज्म भी एक, uh, का एक है एक इंपॉर्टेंट फीचर है पॉली मेनी मैनी मींस फॉर्म्स तो एक फंक्शन जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से परफॉर्म करेगा ठीक है जैसे हमारे पास uh, एक फंक्शन है सम तो अगर हम उसको इंटीजर देंगे तो वो उसका सम करेगा अगर हम उसको कैरेक्टर्स देंगे तो वो उसको कॉन्कैटिनेट करेगा तो एक ही फंक्शन है लेकिन अलग सिचुएशन में अलग तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो पोलिमोर्फिजम किसका फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ऑप्शन डी इज करेक्ट नो थर्टी नाइन इज कंट्रोल प्लस होम इज यूज टू कंट्रोल प्लस होम अगर हम दबाएंगे तो वो क्या करेगा जो डॉक्यूमेंट की बिगनिंग है उसमें हमें मूव कर देगा मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एंड इज यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन मूव द कर्सर द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट तो बी इज करेक्ट डॉक्यूमेंट के एंड पे पहुंचाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड यूज करते हैं